अवश्य करते हैं तो साधु ये शब्द का अर्थ ही है जो भगवान द्वारा सदैव सर्वदा हर स्थान हर काल में पूर्ण रूप से रक्षित हो, जिनकी रक्षा स्वयं भगवान करे वही साधु। और भगवान कहते हैं परित्राणा या साधु नाम, जो मेरे द्वारा रक्षित साधु हैं इनकी रक्षा के लिए मैं आता हूँ। देखिए शब्दों का खेल लगी था। आपको ये पूछे कि यदि रक्षा करनी हो तो साधुओं की क्यों करें, साधु तो वैसे भी रक्षित हैं, उनकी तो रक्षा आप स्वयं करते हैं तो उनकी और क्या रक्षा करने हेतु आप आते हैं। बहुत सरल बात है, भगवान जो साधु की रक्षा करते हैं स्वयं नहीं करते, कैसे करते हैं, नाम के माध्यम से करते हैं। मीरा हो, तुकाराम हो, सुरदास जी हो, तुलसीदास जी हो, दक्षिण भारत के आलवार हो, प्रहलाद हो, ध्रुव हो, सब भगवान नाम आश्रित हैं, सतत नाम रटते हैं और नाम रटने से उनकी रक्षा होती है। देखिए नरसिंहदेव तो आए एक बार, परंतु प्रहलाद की अनंत बार रक्षा नाम ने की। द्रौपदी ने जब पुकार लगाई तो नाम ने रक्षा की, गजेंद्र ने जब पुकारा तो नाम ने रक्षा की। अनंत ऐसे उदाहरण है और प्रमाण है, फिर भी बद्ध कली काल का मति भ्रष्ट जीव नाम में आश्रय नहीं लेता। सोचता है हाँ ठीक 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 ये सुना है, फिर भी श्रद्धा नहीं जागृत होती। तो नाम ठीक है, समर्थ है, सर्वसमर्थ है भगवान, नाम प्रभु जीव की रक्षा के लिए, तो भगवान उसके लिए आने की आवश्यकता नहीं। क्यों आते हैं, साधुओं की रक्षा, अर्थात नाम द्वारा रक्षित जो साधु हैं उनके हृदय में भगवान के विरह की अग्नि चलती है, वो जलते हैं अंदर ही अंदर, मेरे प्रभु कब मुझे मिले। अब नाम द्वारा रक्षित है, जग के प्रपंच के आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो क्लेश हैं इससे मुक्ति तो नाम कराता है। वो जगत में होकर भी पद्म पत्र इमं भसा, गंदे कीचड़ वाले जगत में होकर भी पद्म पत्र की तरह विराजमान, स्पर्श नहीं होता। और ऐसे भक्त जो नाम आश्रय लेकर भजन करें उनके हृदय में अग्नि जलने लगती है, पहले तो चिंगारी लगती है कि प्रभु मिल जाए, फिर दावग्नि हो जाती है, दावानल लगता है। चैतन्य महाप्रभु रोते थे, कहां मोर प्राणनाथ मुरली वदन, कहां जाऊं कहां पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, मेरे मुरली वादक श्री कृष्ण कहां है, क्या करूं कहां जाऊं, किस तरह मैं प्राण की रक्षा करूं कि मेरे ठाकुर जी मुझे मिल जाए। ये एक अग्नि लगती है अंदर, और इस अग्नि में साधु जीव जलने लगता है कि कब प्रभु का दर्शन हो, और इस अग्नि से साधु की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। सब आई बात समझे, क्लेश से बचाने नहीं आते, क्लेश से तो नाम बचा लेता है, पर भजन की तीव्रता से अब अंदर दावाग्नि लगती है कि भगवान का दर्शन हो गया, हे भगवान हे प्रभु कब तक मैं ऐसे तड़पूंगा, कब तक ऐसे तरसूंगा, वो दिन कब होगा, हरे हरे कबे मोर होइबे सुदीना, वो सुदिन कब होगा मेरे जीवन में, भजिबो श्री राधा कृष्ण होय प्रेमाधीना, प्रेम अधीन होकर मैं राधा कृष्ण का भजन कब करूंगा। सुयंत्र मिशया गावो सुमधुरा ताना, आनंदे करीबो दुगा रूप गुण गान। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं वो दिन कब होगा मेरे जीवन में कि इतना मैं प्रेम अधीन होकर भगवान आपका भजन करूं, सुयंत्र मिश्रय गावो, यंत्रों के माध्यम से राग मिश्रित कर करके मैं आपको रिझाऊं, सुमधुर तान और आनंदे करीब दोहार रूप गुण गान, आप दोनों के रूप गुण का गान करते करते क्या होगा, राधिका गोविंद बोली कांदी बो ऊंचेश्वर, ऊंचे स्वर में कब रहूंगा राधा गोविंद बोलकर, भिजी बेशा कलंग नयने रंगीरे, आंखों के नीर धारा से शरीर भीगेगा मेरा, अरे वो प्रभु वो दिन कब आएगा मेरे जीवन में। ये बद्ध काल साधक जीव कभी नहीं समझ सकता। तो यदि प्रश्न पूछा जाए साधक और तड़पता है कि सिद्ध और तड़पता है, साधक कम तड़पता है, साधु अधिक तड़पता है। साधक क्या तड़पता है, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, वो पीड़ा ज्यादा नहीं, हर क्षण में सब कुछ विफल हो जाए या सफल हो जाए फिर भी मेरे प्रभु नहीं मिल रहे, हर कण में प्रभु का दर्शन हो रहा है फिर भी भगवान को पा नहीं पा रहे, ये अग्नि जो लगती है बहुत पीड़ादायक है। और तब मन करता है कि कुछ भी जगत का ठीक ना लगे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मेरे प्राणनाथ चाहिए। और ऐसे भक्त ऐसे साधु को उस विरह अग्नि से बचाने के लिए भगवान उतार लेते हैं। तो परित्राणा या साधु नाम, जो नाम द्वारा रक्षित साधु हैं इनकी परित्राणा इनकी रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। तब दूसरा विनाश आए थे दुष्कृताम, दूसरों के विनाश के लिए भगवान आते हैं। अब दूसरों के विनाश के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं, माया प्रकृति इतनी प्रबल है, बस सुनामी हो गए, भूकंप आ गया, एक साल पानी कम हो गया, दूसरे साल पानी अधिक हो गया, बस इसी में दुष्टों का नाश विनाश हो जाता है। रावण को मारने के लिए राम को अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं, दिल का दौरा वहीं बैठकर दे दे, बटन दबा दे बस खत्म, सिर तो 10 है दिल तो 1 है, बटन बंद कर दे बस वहीं खत्म, उनको मारने के लिए भगवान आना ये आवश्यक नहीं। और धर्म संस्थापना था, धर्म की संस्थापन करने के लिए प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी को एक प्रभुपाद जी को भेजे बस पूरे विश्व में भक्ति रस देने लगता है, कृष्ण को आने की आवश्यकता नहीं। तो रक्षा करनी हो तो नाम समर्थ है, विनाशों का नष्ट करने के लिए माया समर्थ, और धर्म संस्थापन करने के लिए भक्त समर्थ है, साधु समर्थ है, आचार्यगण समर्थ है। तो भगवान क्यों आते हैं, भगवान इसीलिए आते हैं कि भक्तों के साथ प्रेममय आदान प्रदान हो सके। हे भक्त जिनका नाम तू इतने प्रेम से लेता है, जिनको कभी नहीं देखा है फिर भी इतने श्रद्धा से नाम लेता है, देखो कितना मैं बिक गया हूँ, प्रेम अधीन हो गया हूँ, जिस प्रकार आप मेरा नाम रखते हो भगवान सोचते हैं भक्तों से, आपको हे भक्त आपको संतुष्टि देने के लिए, आपको आनंद देने के लिए, देखो धाम निजी धाम चक्कर में आया, भगवान इसीलिए आते हैं बस, और कोई कार्य नहीं है भगवान, बाकी सब भगवान के अनुसार कर लेते हैं। भगवान यदि आते हैं इस जगत में तो केवल अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, हर शास्त्र में यही वर्णन है।